हेलो बच्चो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्लास सेवेंथ मैथमेटिक्स वर्कशीट थर्टी डेट इज ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड एंगल्स तो लास्ट वीडियो में हमने लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड रिविजन की थी उसी रिविजन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम आज की वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो अब देखें वर्कशीट में क्या है सबसे पहले यहाँ हमें दी हुई है एक फिगर और उससे रिलेटेड हमें क्या करने हैं बॉक्स से सही आंसर ढूंढ के राइट ऑप्शन ढूंढ के फिलअप करना है तो फर्स्ट इज द एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट इज कॉल्ड यानी नॉर्थ वेस्ट एंगल और साउथ ईस्ट के बीच में जो ये एंगल है ये दो एंगल किस टाइप के एंगल है हमारे ये हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल इट इज मीन्स इट इज द राइट आंसर देन द एंगल बिटवीन साउथ एंड वेस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट इज कॉल्ड यानी साउथ वेस्ट ये एंगल और साउथ ईस्ट यानी ये एंगल तो ये हमारे कैसे एंगल हैं ये हैं सप्लीमेंट्री एंगल तो यहाँ हम फिल करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल नेक्स्ट क्या है अब फिल इन द ब्लैंक्स इफ द पेयर ऑफ एंगल इज सप्लीमेंट्री देन राइट और ड्रॉ योर फेवरेट फ्रूट एंड इफ द पेयर इज कॉम्प्लीमेंट्री देन राइट और ड्रॉ योर फेवरेट फ्लावर कि अगर हमारे एंगल सप्लीमेंट्री है तो हम अपना फेवरेट फ्रूट का नाम लिखेंगे या उसे ड्रॉ करेंगे नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या करेंगे हम अपना फेवरेट फ्लावर का नाम लिखेंगे तो अब ये है सबसे पहले 64 एंड 26 तो 64 और 26 को हम ऐड कर लेते हैं तो आंसर आ रहा है 90 डिग्री तो 90 डिग्री का मतलब क्या होगा ये कॉम्प्लीमेंट्री तो हमें क्या करना है अपने फेवरेट फ्लावर का नाम लिखना है तो हमारा फेवरेट फ्लावर मेरा तो रोज है तो मैं रोज का नाम लिख देती हूँ ठीक है नेक्स्ट थर्टी एट एंड फिफ्टी टू तो इन्हें ऐड कर लेते हैं तो यहाँ भी आंसर क्या आ गया नाइन्टी अगेन कॉम्प्लीमेंट्री तो यहाँ भी आ गया रोज आपका जो फेवरेट फ्लावर हो ना आप उन उसका नाम लिख सकते हो मैंने अपना लिखा आप अपना लिखिएगा फिर है 135 एंड 45 अब इन्हें ऐड करें तो यहाँ क्या सम आ गया ये हो गया 180 डिग्री यानी सप्लीमेंट्री तो फेवरेट फ्रूट तो फेवरेट फ्रूट का मैं फिगर बना देती हूँ मेरा फेवरेट फ्रूट है ये बताओ क्या है ये मेरा फेवरेट फ्रूट है शाबाश मैंगो तो मैंने मैंगो का पिक्चर ड्रॉ कर दिया यहां पर अब है नेक्स्ट

फिर एंगल वन और एंगल फोर ये दोनों हमारे कैसे एंगल हैं सप्लीमेंट्री एंगल इट देयर सम इज 180 डिग्री तो यहां से हम एंगल फोर निकाल सकते हैं तो एंगल फोर हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल वन और उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली अभी 80 इट मींस ये हो गया 100 डिग्री तो जब हमारा एंगल फोर हंड्रेड डिग्री हो गया तो इसके अपोजिट एंगल थ्री क्या हो जाएगा इट इज ऑल्सो

ट्रांसवर्सल और अगर ये ट्रांसवर्सल है और एंगल वन यानी ये एंगल हमें सिक्सटी डिग्री दिया हुआ है तो एंगल टू क्या हो गया एंगल टू हो गया हमारा एंगल वन के इक्वल बिकॉज इट इज कॉरस्पोंडिंग एंगल हमें पता है ना कॉरस्पोंडिंग एंगल्स तो इक्वल होते हैं तो ये है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया सो नेक्स्ट है अब एक रेलवे क्रॉसिंग का पिक्चर कि हमें यहाँ पर एक रेलवे क्रॉसिंग दी हुई है जो रोड यानी ये हमारी रोड है जो पैरेलल है और रेलवे क्रॉसिंग उसको क्रॉस कर रही है ये और ये हो गया हमारे पास अब हमें यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है फिफ्टी डिग्री हमें एंगल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अब ये 50 डिग्री है तो ध्यान से देखो ये भी 50 हो जाएगा रीजन बिंग क्या है ये कॉरस्पोंडिंग एंगल है और ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होंगे सप्लीमेंट्री क्यों दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल देयरफॉर फोर एंगल एक्स प्लस फिफ्टी डिग्री इज इक्वल टू वन एटी डिग्री तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी वन एटी माइनस फिफ्टी डिग्री दैट इज वन थर्टी डिग्रीज हो गया ये भी आप आ जाते हैं नेक्स्ट जहां पर हमें दिया हुआ है एक स्टिक पपेट यहाँ पे कहा है स्टिक पपेट इज डिस्प्ले योगा आसन ऑब्जर्व द एंगल एंड राइट द आंसर तो जरा तो हम अपना पपेट देखें ये है हमारा पपेट इस फिगर को देख के हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं वो भी हिंट बॉक्स में से हिंट ढूंढ के एंगल डी बी एंड एंगल ई बी ए डी बी ए कौन सा एंगल हो गया ये एंगल और ई बी ए ये एंगल तो ये कौन से एंगल्स हैं ये हैं एडजेसेंट एंगल्स तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा एडजेसेंट एंगल्स क्योंकि ये एक साथ हैं अब है एंगल डी बी सी डी बी सी कौन सा एंगल हो गया ये रहा डी बी सी तो मोर देन नाइन्टी डिग्री तो ये कौन सा एंगल हो गया ऑप्ट्यूज एंगल तो यहां हम लिख देंगे ऑप्टूज एंगल नेक्स्ट एंगल बी सी जी बीसीजी को ध्यान से देखो ये तो क्लियर दिख रहा है ये हमारा कैसा एंगल है 90 डिग्री वाला और 90 डिग्री का एंगल हमारा कैसा होता है राइट right एंगल तो यहां आंसर आ गया हमारा राइट एंगल सम ऑफ मेजर एंगल ए बी ई एंड ई बी सी ए बी ई यानी ये एंगल और ई बी सी यानी ये एंगल ये कैसे एंगल है हमारे सप्लीमेंट्री यानी इनका सम क्या होगा 180 एट्टी डिग्री तो यहाँ आंसर आ गया 180 एट्टी डिग्री लास्ट एंगल डी बी ए डी बी एनि ये वाला एंगल तो ये तो लेस देन 90 है तो कौन सा एंगल हो जाएगा एक्यूट एंगल तो यहां पर हम लिखेंगे एक्यूट एंगल अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में अब यहां क्या दिया हुआ है हमें यहाँ अगेन वी हैव ए फिगर राइट द पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स और यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं हमारे अब यहाँ हमें 52, 38 और 90 इनको मिला के हमारा सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है तो हम इनके नाम लिख देते हैं एंगल ए बी सी और कौन है एंगल सी बी डी एंड एंगल डी बी ई ये मिलके हमारे सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं हमारे एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी एंड एनी वन पेयर ऑफ एंगल कोई भी वन पेयर हमें बताना है तो सेम हम एंगल ए बी सी और एंगल सी बी डी ले सकते हैं ये हमारा पेयर है एंगल्स का तो ये आगे तो ये है हमारी आज की वर्कशीट इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय Mats.